उधर दिल्ली में चुनाव आयोग और टीएमसी नेताओं के बीच खींचतान जारी है। पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद टीएमसी नेताओं ने दूसरे दिन भी चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और लगभग 24 घंटे बाद अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म किया। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को रात में ही रिहा कर दिया था। वहीं प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने टीएमसी नेताओं से मुलाकात की। टीएमसी नेता सीबीआई एनआईए ईडी इनकम टैक्स विभाग के प्रमुख समेत कई केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख को चुनाव से पहले बदलने की मांग कर रहे थे। धरने के टाइम इलेक्शन कमीशन से हम एमपीओ को उठा के 2 घंटा घुमा के 7 PM के बाद लेडी एमपीओ को डिटेन करके कोई चार्ज नहीं देके 4:30 बजे से 12:30 तक कोई सीआरपीसी का धारा नहीं बता के और कोई भी हमारे लिए अरेस्ट और डिटेंशन कुछ नहीं बताते हुए 12:30 के बाद उन्होंने बताया कि आप छुटकारा आप ले सकते हैं। आप सोचिए तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दिल्ली के थाने के अंदर बंद हैं जब चुनाव आचार संहिता चल रही हो। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। ऐसे में आपने देखा कनॉट प्लेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की पनिशमेंट परमिशन मिलती है? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया, नहीं लिखा गया। ममता बैनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे जाए? क्या लूट खसूट की छूट दे दी जाए? क्या घोटाले करने का, जनता को लूटने की इजाजत दे दी जाए? कहार रही है बंगाल की जनता। और संदेश खली की घटना पर एक शब्द भी ये लोग नहीं बोले। ये धरना देने वालों ने उस समय ममता बनर्जी के घर पर धरना क्यों नहीं दिया? क्या वहां की बेटियों की चीख पुकार, वहां पर हो रहा अत्याचार इनको सुनाई नहीं देता? टीएमसी ने और टीएमसी के नेताओं ने इटली निर्मित रूह कानों में डाल रखी है। उधर पीएम मोदी ने नागरिकता